हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान गंगा एकेडमीज इंटरैक्टिव क्लासेस। यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग एक है और आज का हमारा टॉपिक है एक चित्र कथा। पहले भी इस पुस्तक में हम दो तीन चित्र कथाएं देख चुके हैं तथा इस बार जो चित्र कथा हम देख पा रहे हैं, जो चित्र हम देख पा रहे हैं, उसके पीछे की कथा क्या है वह एक बार मैं आपको बताता हूँ। कथा मीन्स कहानी, उसके पीछे की कहानी क्या है। जैसे कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह प्राथमिक विद्यालय, एक स्कूल का दृश्य है। और किस काहे का समय है? समय है कि बच्चों की छुट्टी हो गई है और विद्यालय का गेट खुल चुका है और बच्चे बाहर आने लगे हैं। अब अगर हम इस चित्र को और ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से है कि ये विद्यालय का प्रांगण है, विद्यालय का आंगन है। बच्चे धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, एक सर और एक मैडम खड़े हुए बातें कर रहे हैं तथा कुछ बच्चे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये बच्चा इस किसी को रुकने को कह रहा है। कुछ साइकिल स्टैंड पर साइकिलें खड़ी हैं। एक बच्चा फाटक वाले झूले पर झूल रहा है जबकि एक भाई और बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे हैं। एक लड़की की मम्मी उसे लेने आई है। ये पोस्ट बॉक्स है, एक लड़का पोस्ट बॉक्स के पास खड़ा है, कुत्ता भी वहाँ है। दूसरा बच्चा दौड़ रहा है और यह है बस स्टॉप। बस स्टॉप, बस स्टॉप कहाँ किसे बोलते हैं? जहाँ पर बस आकर रुकती है तथा कुछ लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं जबकि एक बच्चा बस स्टॉप पर अपनी मम्मी के साथ खड़ा है और एक लड़की और दूसरी लड़की यहाँ पर भी खड़े हैं। एक लड़की रिक्शे पर बैठकर अपने स्कूल जाती होगी तो वही रिक्शे वाला उसे वापस लेने के लिए आया है। ये बच्चे कुछ बच्चे पैदल जा रहे हैं। यह दोस्त एक दूसरे के गले में हाथ डालकर, ऐसे ही ये दो दो जने एक दूसरे के गले में हाथ डालकर जा रहे हैं जबकि ये बच्चा एक आती हुई बस को देखकर इशारा कर रहा है और मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने दोस्तों को कह रहा है, आवाज़ लगा रहा है कि वो देखो बस आ गई। एक ऑटो वाले ड्राइवर है ना, एक सरदार जी अपने बच्चे को स्कूटर में लेने आए हुए हैं और साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल सवार इसमें जा रहा है और कुछ बच्चे साइकिल में भी हैं और कुछ लोग बच्चे ये फुटपाथ पर अपने घर की तरफ को जा रहे हैं। तो यह पूरी की पूरी चित्रकथा जो कि आपको दिखाई दे रही है। और इसमें से आप क्या क्या प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बनाए हैं, ठीक है ना, जैसे कि यह कहाँ का, किस वक्त का दृश्य है, तो किस तरह किस समय का दृश्य है, छुट्टी का दृश्य है, ठीक है ना। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे अपने घर जा रहे हैं, है ना। कितने लड़के हैं जो एक दूसरे के गले में हाथ डालकर जा रहे हैं, है ना, है ना, इस तरह के हम प्रश्न बना सकते हैं। और कौन कौन सी गाड़ियाँ, कौन कौन सी गाड़ियाँ हमारे को दिखाई दे रही हैं, जैसे रिक्शा, स्कूटर, ऑटो, मोटरसाइकिल, बस, है ना। एक बच्चा किस झूले पर झूल रहा है, ठीक है। इस प्रकार के जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप बना सकते हैं बनाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब जब आप उस दृश्य को देखेंगे तो आपको इस तरह के कुछ प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे, जैसे घर कैसे जाओगी, घर कैसे जाओगी, है ना। अब वो लिखा हुआ है, एक रिक्शा बना हुआ है, एक साइकिल, ये लड़की है और ये बस। अब वो पूछ रहा है कि मैं डैश जाती हूँ, किस में जाते हैं। अगर मैं स्कूल से बात करूँ कि अगर आप स्कूल से घर जाने की बारी हो तो आप कैसे जाएंगे, तो आप जो बच्चे बाइक पर जाते हैं वो बाइक लिखेंगे, जो रिक्शे में जाते हैं वो रिक्शा, जो पैदल जाते हैं वो पैदल, ठीक है ना, और जो वैन में जाते हैं वो लिखेंगे मैं वैन में जाती हूँ या जाता हूँ। अब वो अगला कह रहा है तुमने, तुमने, इ न म ए में,
तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ और टिक या नहीं क्रॉस का निशान लगा ओ। ठीक है, तुमने जिस जिस की सवारी की है उस पर टिक करिए। अब जैसे क्या है, सवारी, सवारियों के नाम लिखे हैं। मैंने सवारी की है राइट, मैंने सवारी नहीं की है रॉन्ग। ठीक है ना। अब जैसे रिक्शा, अब आपने अगर रिक्शे में सवारी की है तो टिक और नहीं की है तो क्रॉस। ठीक है ना। अब जैसे क्या है, अब रिक्शा, रिक्शा पर मैंने सवारी की है इसलिए टिक कर दिया, मैंने सवारी नहीं की है इसलिए क्रॉस कर दिया। बस, बस में सवारी की है टिक कर दिया, इसे क्रॉस कर दिया। रेलगाड़ी टिक नहीं करा। अब जैसे एक है बैलगाड़ी, अब मैंने बैलगाड़ी पर कभी सवारी नहीं की है, मैंने सवारी की है नहीं की है तो इसे काट दिया, और मैंने सवारी नहीं की है इसे टिक कर दिया। इसी प्रकार भैंस, भैंस पर मैंने सवारी नहीं की है तो इसलिए काट दिया, और मैंने सवारी नहीं की है उस जगह पे इसको सही कर दिया। ठीक है ना, इस जगह पे हमने इसे क्रॉस कर दिया। ऐसे ही आप बाकी के भी करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब ये प्रश्न भी आपने स्वयं करना है। तुम कैसे जाते हो? कहाँ, तुम कहाँ कैसे जाते हो, ये लिखा हुआ है। दादी के घर, घर, तुम दादी के घर कैसे जाते हो? अब लिख दो, अगर आप बस से जाते हो तो बस, पैदल जाते हो तो पैदल। सिनेमा, सिनेमा मीन्स पिक्चर हॉल, सिनेमा देखने, सिनेमा देखने कैसे जाते हो? स्कूल, स्कूल, स्कूल कैसे जाते हो? और हाट या बाजार, हाट किसे बोलते हैं, बाजार को ही बोलते हैं। और बाजार कैसे जाते हो यहाँ पर लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं बाजार बाइक से जाता हूँ, तो मैंने लिख दिया बाइक। ऐसी आप भी इसी तरीके से लिखेंगे, राइट। एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताओ, बताओ। अब क्या बताओ, वो कहता है कि सवारी, ये सवारियों के नाम लिखे हैं यहाँ पर, जैसे रेलगाड़ी, भैंस, रिक्शा, साइकिल, ऊंट, बैलगाड़ी, बस, गोदी। अब वो कहता है टिकट लगेगा, किन चीजों पर टिकट लगेगा उसे टिक कर देंगे, पैसा लगेगा उसे क्रॉस कर देंगे। वो मतलब जिसमें पैसा लगेगा उसे टिक करेंगे, और जो मुफ्त में होगी उस पे मुफ्त में टिकट करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, सबसे पहला है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में अगर हमें जाना हो तो क्या लगेंगे, वेरी गुड, टिकट लगेगा। ठीक है ना, पैसे तो लगेंगे, पैसे लगेंगे हमें टिकट खरीदने में। ठीक है ना, रेलगाड़ी में पैसे नहीं देने हैं आपको, आपने टिकट, घर पे टिकट लेना है, उसके बाद ही टिकट लेके आपने रेलगाड़ी में चढ़ना है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। अब उदाहरण मैंने तीन करे हैं, जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में आपको क्या लगेगा, टिकट, टिकट लगेगा। ठीक है ना, पैसे, पैसा लगेगा, लगेगा नहीं, मुफ्त में भी कोई नहीं ले जाएगा। अब आ जाओ भैंस, भैंस में टिकट लगेगा नहीं, पैसा लगेगा नहीं, मुफ्त में भी आप बैठ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी मुफ्त में कहीं जाना हो तो आप भैंसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्शा, रिक्शे में टिकट नहीं लगेगा और मुफ्त भी नहीं है, उसके लिए हमें क्या देने पड़ेंगे, पैसे। ठीक इसी प्रकार से आप इनको भी करेंगे, राइट, पक्का कर लेंगे ना, वेरी गुड। चलिए आज एक और चित्रकथा पढ़ते हैं, ये इस पुस्तक की एक अगली चित्रकथा है, और यह चित्र है एक गांव का जहां पर खेत है। ठीक है ना, लेकिन गांव ऐसा है कि जहां बिजली पहुंच गई है, इसलिए बिजली के खंभे, टावर हैं बड़े बड़े और तार हैं। एक औरत है जो मचान, इसको बोलते हैं मचान, ऊंचा स्थान जहां पर खड़े होकर हम पक्षियों को या अपनी फसलों की चौकीदारी करते हैं, इसको मचान बोलते हैं। एक किसान फावड़ा लेकर अपने खेत की तरफ जा रहा है, जबकि एक व्यक्ति अपने सर पर कुछ गठरी में कुछ सामान लेके जा रहा है। उधर दो बच्चे, जो नाली है ना, जिसमें पानी जा रहा है सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई होती है, जो पानी दे, पौधों को पानी देने का जो नाली होती है, ठीक है ना, उस नाली पे देख रहे हैं। एक कुत्ता उन दोनों को खेलता हुआ देख रहा है। एक औरत घास लेके जा रही है, किसान अपनी फसल को काट रहा है। एक दूसरा बच्चा भी ऐसा लग रहा है कि वो फसल
फसल को काट रहा है, और ये जो बना हुआ है, ठीक है ना, ये काहे के लिए बना हुआ है, यह घास फूस का बना दिया जाता है ताकि पक्षियों को या जानवरों को लगे कि कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो वो डर के मारे वहाँ फसल को नुकसान पहुँचाने ना आए। उधर ये हैंडपम्प में एक लड़का हैंडपम्प इतना चला रहा है, बाल्टी भर गई है और सारा का सारा पानी बाहर फैल गया है। एक झोपड़ी और एक औरत दो बाल्टी लेके जा रही है, जबकि एक ट्रैक्टर है ना, जिसमें एक किसान या एक आदमी अपनी लड़की को लेकर जा रहा है। उधर एक किसान एक गाय को हांक रहा है, इधर घास काटकर कुछ फूसा इकट्ठा किया हुआ है। एक ट्रैक्टर और है गांव में, इधर कहीं लोग घर दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़, और साथ ही साथ ये औरतें धान की रुपाई कर रही हैं। रुपाई मीन्स लगा रही हैं। धान किसे बोलते हैं? चावल जिससे हमारे को मिलता है, उस पौध को लगा रही हैं। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि चावल जो है वो पानी में लगता है, और ये औरतें पानी में खड़ी हैं और अपने पौध को लगा रही हैं, ठीक है ना। तो ये एक चित्र है। ठीक इसी प्रकार हम इसमें प्रश्न बता सकते हैं कि दिए गए चित्र में कितनी औरतें काम कर रही हैं। तो कितनी औरतें काम कर रही हैं ये आप सोच सकते हैं। कितने बच्चे इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ट्रैक्टर पर कौन कौन जा रहा है, ठीक है। औरत मचान पर खड़ी क्या कर रही है, ठीक है। फसल कौन काट रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार आप कई सारे प्रश्न इसमें से देखकर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गांव का दृश्य है और एक आम जिंदगी गांव की, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जैसे आम होता है कि भाई लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, ठीक है ना, और बच्चे अपना खेल रहे हैं, किसान अपनी फसल काट रहे हैं, औरतें अपना अपना काम कर रही हैं, है ना बच्चों। गुड। और अभी हम बात कर रहे थे कि भाई फसलों की, है ना, गांव में खेतों में फसलों की, तो उसी की बात करते हैं। नीचे क्या ऊपर क्या, वो कहता है कि नीचे क्या और ऊपर क्या। ग आधा नौ न गन्ना, जमीन के ऊपर उगता है, और मूली नीचे, ठीक है ना। जो गन्ना है वो जमीन के ऊपर लगता है, और मूली कहाँ लगती है आपने देखी है, मूली जमीन से नीचे से उखाड़नी पड़ती है, है ना। सही जगह पर कुछ और चीजों के चित्र बनाओ। ये देखेंगे ध्यान से, इस जौ के नीचे बिंदी लगी है। जब जौ के नीचे बिंदी लगी हो तो जौ का जो उच्चारण है, जो जौ की साउंड है, वो जौ ना करके ज, ठीक है, ऐसे आती है। तो अब सही जगह, यहां पर जो आई है जगह पर कुछ और चीजों, जों ध्यान से सुना ना आपने, के चित्र बनाओ। ठीक इसी तरह देखा, ये जमीन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जमीन, 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 राइट। अब ये क्या है, मूली। ठीक इसी तरीके से जो और जमीन के नीचे उगते हैं उनके चित्र बनाएंगे। अब वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि वेरी गुड, क्या है, गाजर, वेरी गुड, प्याज, वेरी गुड, उसके अलावा आलू, वेरी गुड, शकरकंदी, वेरी गुड, है ना। और जो बाहर उगते हैं जमीन के, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, गन्ना हो गया, आम हो गया, ठीक है ना, सेब हो गया, भिंडी हो गई, लौकी हो गई, तोरी हो गई, वो सारी की सारी चीजें कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। सुंदर सुंदर और साफ साफ बनाएंगे और 3:3 बना देंगे बस, ठीक है, ज्यादा घिचर पिचर नहीं करेंगे, अच्छे से उसको कलर भी करेंगे, राइट स्टूडेंट। अब है बूझो, बूझो मेरा रंग, बूझो मतलब बताओ, सोच कर बताओ, ठीक है ना, मेरा नाम जानो, बूझो मेरा रंग, मेरा रंग बताओ। अब वो कहता है बैंगन, बैंगन किस किस रंग का, बैंगन किस रंग का होता है, वेरी गुड, बैंगनी, ठीक है ना, उसका नाम ही बैंगनी है। तो अब वो कहता है कुछ चीजें यहां पर दी गई हैं, जैसे कि धनी या धनिया, देख रहे हैं आप। उसके बाद टमाटर, टमाटर,
खीरा प्या प्या आधा प या प्या प्याज और देखो जौ के नीचे बिंदी है तो ज जौ नहीं बोला सर ने प्याज ठीक है आलू बैंगन मूंग मू म उ मू और अपर चंद्र की बिंदु तो मूंग मूंग फली फली मूंग फली म क ई मकई पालक पालक गाजर गाजर धान धान किसे बोलते हैं मैंने भी सर ने बताया था चावल को फसल को धान बोलते हैं बोड़ा बोड़ा अदरक अदरक ठीक है ये कुछ आपको सब्जियां दी गई और यहाँ कुछ रंगों के नाम लिखे गए हैं जैसे लाल हरा बैंगनी पीला नीला वो काला तो अब आपने इनको ठीक है ना लाल रंग की कौन कौन सी चीजें वो लिखना है जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है टमाटर और गाजर राइट अब हरे रंग की कौन कौन सी चीजें धनिया खीरा मकई पालक कुछ भी मकई ना लिख करके हम पालक लिखेंगे है ना ठीक है धान की फसल अब बैंगनी बैंगनी क्या होता है बैगन ठीक है ना और तो ऐसा कुछ इसमें नहीं दिखाई दे रहा है उसके बाद पीला पीला वैसे तो नहीं होता है आलू भूरे रंग का होता है और अदरक भी भूरे रंग का होता है लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं पीले में राइट नीला नीले रंग की कोई भी सब्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है ठीक है और काला काले रंग का भी मुझे पीले में मकई भी आ सकता है ठीक है ना और काले रंग की भी मुझे कोई सब्जी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है ठीक है अब हम ये काम कर सकते हैं इसकी जैसे काला है काले में और कोई तीन चीजें इन सब्जी को छोड़कर कोई भी चीज किसी भी वस्तु का नाम भी आप लिख सकते हैं ठीक है ना इसी प्रकार नीले रंग की भी कोई भी तीन चीजें आप लिख सकते हैं राइट स्टूडेंट्स तो मुझे लगता है कि आपको अपनी वीडियोस पसंद आई होंगी एंजॉय करिए मजे से कलरिंग करना है और राइटिंग करनी है और कुछ प्रश्न ऐसे ही बनाने की कोशिश करनी है गुड डे स्टे एट होम टेक केयर आई होप यू एंजॉयड our video. Thanks for being with us.